घर पाथल भलो और के हरि घर प्रताप, केवड़िया घर पाथल भलो और के हरि घर प्रताप। केसरिया पगड़ी जो अभी सोशाबित हो रही है बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे हल्दीघाटी के उस युद्ध को लड़ने के लिए योद्धा तैयार खड़े हैं, सेनाएं तैयार खड़ी है। अच्छा तो ऐसा लगता है मान जग में मान री धरती एक माने प्यारी प्यारी लागिरिया मेवाड़ की धरती, माने प्यारी प्यारी लागिरिया मेवाड़ की धरती, के गढ़ दिल्ली को राज दुजायो पातल सा महाराणा, अरे राज महल ने छोड़ तर पिया मंगरे ठोड़ ठिकाना, रण चमकी उन मेवाड़ी की रण चमकी उन मेवाड़ी तलवार की धरती, माने प्यारी प्यारी लागिरिया मेवाड़ की धरती, कि टप टप चेतक ले राणा ने मचलियो हल्दी घाटी, अरे रण बांकारा रगता सोया रगत रंगोड़ी माटी, राणा हित मरिया रर रर रे राणा हित मरिया उन झाला मान की धरती, कमाने प्यारी प्यारी लागिरिया मेवाड़ की धरती, कमाने प्यारी प्यारी लागिरिया मेवाड़ की धरती, गिरधर सामे नाची मीरा हरि का मंदिर मा, गिरधर सामे नाची मीरा हरि का मंदिर मा, बन गुनो सर हार पेरता नाग गड़ा के माय, अमृत कर पीगी मीरा विष पान वा कर तीर, माने प्यारी प्यारी लागिरिया मेवाड़ की धरती, भामा सासा समरत सेठा दान दियो राणा ने। अभी छत्तीसी कौम को साथ में लेकर बाल चलने साथ लेकर चलने की मुख्य अतिथि मोदी जी कह रहे थे, वो एक बिरला ही व्यक्ति तो था जिसके साथ सारी जातियां प्रेम लुटाती थी स्नेह लुटाती थी, कि भामा सासा समरत सेठा दान दियो राणा ने, कुल भील प्राणा सो भी राख्यारा राख्या प्यारा राणा ने, रानी पद्मण रोजो हर कि रानी पद्मण रोजो हर बखानती धरती, माने प्यारी प्यारी लागिरिया मेवाड़ की धरती, माने प्यारी प्यारी लागिरिया मेवाड़ की धरती, कि बेड़च और गंभीरी मंदरी मंदरी बहती जावे, अरे अड़ियो खड़ियो चित्तौड़ दुर्ग राणा री याद दिलावे, कि अड़ियो खड़ियो चित्तौड़ दुर्ग राणा री याद दिलावे, ऊंचा ऊंचा आड़ावल कि ऊंचा रे ऊंचा आड़ावल पहाड़ की धरती, कमाने प्यारी प्यारी लागिरिया मेवाड़ की धरती, माने प्यारी प्यारी लागिरिया मेवाड़ की धरती। एक बार जोरदार जय बोलने वीर श्रोमणी महाराज प्रताप की। आपका आदेश हो एक गीत और पढ़ता हूँ, मात्र शक्तियां विराजमान है। मैंने लगता है कि मेरे जीवन में इससे बढ़िया कोई काम नहीं किया। अभी मैं जो ही मंच पे बैठा था एक सरदार यहाँ विराजमान थे, उन्होंने कहा कि सोन जी और कुछ मत करना लेकिन पन्ना धाय का वो गीत जरूर पढ़ना जो आप पढ़ा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मात्र शक्तियां विराजमान है कि वो माँ क्या रही होगी साहब, चित्तौड़गढ़ से कुंभलगढ़ कम से कम 150 किलोमीटर मैं मान सकता हूँ, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो माँ रात के अंधेरे में किस तरह से गई होगी जब उसका खुद का बेटा उसकी आंखों के सामने मर गया था, उसको छोड़ के एक पराए बेटे को जो मेवाड़ का सूरज था उसको लेके कुंभलगढ़ तक चली गई, उस माँ का हृदय क्या हो सकता है हम कल्पना नहीं कर सकते साहब। ऐसे ऐसे किरदार इस मेवाड़ में हुए हैं कि सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं साहब। मेरी कलम भी पूरा नहीं लिख पाती लेकिन मैंने कोशिश की है कि उस माँ को अपने शब्दों में थोड़ा बहुत अभिव्यक्त कर सकूं। आप कल्पना करें कि वो पन्ना भाई चित्तौड़ से निकलती है और कुंभलगढ़ कैसे जाती है साहब।
कि पन्ना कालीवा पन्ना कालीवा अंधियारी रे मांझल रात नानो उदियो ले साथ कुंभल गढ़ ताई चाल पड़ी रे बेटा चंदन ने अररर बेटा चंदन ने बचना पर दीनो वार तू ममता ने भी सार चित्तौड़ दुर्ग सो चाल पड़ी रे पन्ना कालीवा उदय सिंह सो प्यो कर में ती पन्ना बचन निभाजे राजकुमार को ध्यान राख जे चंदन जो बरताजे नानी आंगड़ली पन्ना ने दी संभड़ाई पन्ना ने दी संभड़ाई पन्ना ले महला चालू पड़ी रे पन्ना कालीवा अररर पन्ना कालीवा मेवाड़ी महलाओं बेड़ा राज कर बनवीर मार लियो छड़ सो विक्रम ने उदिया ताई अधीर पन्ना खुदरा टाबर अररर पन्ना खुदरा टाबर चंदन ने बुलवाय पिलगा उदिया रे पोधाई पन्ना पे भारी विपत्तु पड़ी रे पन्ना कालीवा अररर पन्ना कालीवा। विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद जब उदय सिंह के महलों में बनवीर आ जाता है वही तलवार खून से रंगी हुई और पन्ना से कहता है कि राजकुमार उदय सिंह कहाँ है मुझे बता दे। क्या स्थिति रही होगी साहब उस मां की क्या स्थिति रही होगी कि खड़ग हाथ बनवीर खड़ो पन्ना थो उदय बता दे मार उदय ने राज करूला जट युवराज बता दे रे पन्ना रे मुखड़ा सो उचरी जे ना बेण आखड़ लिया वाली सेण तलवार चलन पे चालू पड़ी रे पन्ना कालीवा अररर पन्ना कालीवा। लेकिन मेवाड़ की वह मां के आंखों में आंसू वादन नहीं आए लेकिन आंसू आता तो सारो भेद खुल जातो कि आंसू उड़ा रे आखड़ लिया रो क्या पन्ना थू बड़ भागण मेवाड़ धरा पे चंदन वारो थुअल बेली जामण राख्यो आत्म तो अररर राख्यो आत्म तो सीसो ग्यारो कुल भाण सीसो ग्यारो कुल भाण वो एक लिंग रो दीवान वो एक लिंग रो दीवान नैना सुर आसु बूंद ना पड़ी रे पन्ना कालीवा अररर पन्ना कालीवा। अच्छा सुन जी भैया भारी आया साहब एक बार जोरदार तालियां बजाएं सुन जी के सम्मान में। हाँ इस तरह से कीरत बारी ने कहा कि पन्ना इस उदय सिंह को मेरे जूते पत्तल धोने के इस टोकरे में सुला दे मैं महलों से लेके इसको किले से नीचे उतर जाऊंगा। उसकी हिम्मत क्या रही होगी साहब एक बूढ़ा आदमी उस मेवाड़ के सूरज की रक्षा के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल के महलों से नीचे उतर गया। उसने मेवाड़ी कर चुकाया था इस मातृभूमि के प्रति प्रेम निभाया था कि द्वापर का वसुदेव जिया कीरत लायो पालनियों अरे द्वापर का वसुदेव जिया कीरत लायो पालनियों राजकुंवर ने पोढ़ायो झूठी पतड़ा पालनियों कीरत माथे धर उसका भी सौभाग्य था साहब कि कीरत माथे धर अरे मेवाड़ धरा को भाग मेवाड़ धरा को भाग अरे उदिया सो अनुराग पण किण ने नाही जान पड़ी रे पल पन्ना कालीवा अररर पन्ना कालीवा। किस रास्ते गई होगी साहब कोई सड़क नहीं कोई लाइट का साधन नहीं कोई कुछ साधन नहीं रास्ता बताने वाला नहीं वो भी उस परिस्थिति में जब उसका खुद का बेटा मर चुका था। साहब कैसे गई होगी मेरे कवि की कल्पना है कि उस मां को नहीं समझ सकते साहब कि वो कुंभलगढ़ कैसे गई होगी कि काई खायो पियो हो वसी किण मार गिए भटकी अरे काई खायो पियो हो सी किण मार गिए भटकी पूत मरण बिसरा जामण सासा उदिया में अटकी अरे काई खायो पियो हो सी किण मार गिए भटकी पूत मरण बिसरा जामण सासा उदिया मेरे अटकी पन्ना अमर होगी
हो पन्ना अमर होगी, अरे मेवाड़ी इतिहास बन के मायड़ली खास, जस गाथा जग माही पसरी ये पन्ना कालेवा, अरे अरे पन्ना कालेवा। एक प्रश्न और सोचता हूँ साहब कि काला को सारे कुंभल गढ़ किण भात तू पन्ना आई, अरे काला कोसा कुंभल गढ़ किण भात तू पन्ना आई, शीशो ज्ञा को सूरज पन्ना आंचल में भर लाई, अरे काला कोसा कुंभल गढ़ किण भात तू पन्ना आई, शीशो ज्ञा को सूरज पन्ना आंचल में भर लाई। वो भी कब कि पग पग जीवन पे अरे मंडराती भारी मोत, मंडराती भारी मोत, जीवन सो भारी मोत, पन्ना थो जामन चोखी नीवड़ी ये पन्ना कालेवा, अर अर पन्ना कालेवा। आज के दिन जाओ हम एकत्रित हुए हैं साहब, अगर पन्ना धाय नहीं होती और उदय सिंह जी नहीं होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि साहब महाराणा प्रताप का जन्म कहां से हुआ था, क्या परिणाम हुआ साहब। गीत की अंतिम पंक्ति आपको सौंप के जाना चाहता हूं साहब कि उदय राखिया इन धरती पे जन्म लियो परताप, कि उदय राखिया इन धरती पे जन्म लियो परताप, चढ़चे तक हल्दी घाटी में जुद लड़ियो परताप, जगरे इतिहासा अरे मेवाड़ धरा को मान, मेवाड़ धरा को मान, पाथड़ पन्नारो गान, अरे धरतिया स्वाभिमान सो भरी रे पन्ना कालेवा, अरे अरे पन्ना काले अंधियारी रे मांझल रात, नानो उदियोले साथ कुंभलगढ़ ताही चा। तो सोचना चाहता हूं कि जिस मेवाड़ी पगड़ी को उन्होंने झुकने दिया, अगर आदेश दे तो जोरदार तालियों के साथ आदेश दे। मुझे पता है आप सुबह 7 बजे से यहाँ विराजमान है, लेकिन मैं भी आसीन से चल के और इतना शीघ्रता से आया। हेमंत सिंह जी ने फोन किया कि कहाँ हो, मैंने कहा मैं अभी बहुत दूर हूँ, तो कहने आप चल के आ जाओ, अभी कार्यक्रम चल रहा है आपका। अरे मेवाड़ धरा की आन, राखी मेवाड़ी शान, राखी रजपूती शान, केसरिया पगड़ी नाही झुकी रे पाथड़ राखी जी, मेवाड़ धरा की रे आन, राखी मायड़ी शान, राखी रजपूती शान, केसरिया पगड़ी नाही झुकी, कि छोड़ दिया मेवाड़ धराहित राज महल का ठाट, अजियाड़ावल के मंदरा महाराणा जद बैठा पाट, अकबर डरियो रे अर अर अकबर डरियो रे, राणा सुर आपो आप जाने सिर हाणे सांप, निजिरिया राणा पे जाए टिकी, कि धन्य धन्य मेवाड़ी रे राणा एक लिंग राधीवा। इसकी तालियां आनी चाहिए इसके गीत के साथ, रिदम का गीत है साहब, गीत हमेशा तालियों के साथ सुने जाते हैं। कि धन्य धन्य मेवाड़ी रे राणा एक लिंग राधीवान, अजी आड़ावल में फिरा भटकता रखियो धरा को मान, रानी राजकुंवर भी अर अर रानी राजकुंवर भी, महाराणा रे संग चढ़ो जग माड़ धरा को रंग, संकट री बदली नाही रुकी, के हिंदुआ सूरज चेतक माथे भालो हाता माय, हिंदुआ सूरज चेतक माथे भालो हाता माय, चेतक रो असवार जूझियो हल्दी घाटी माय, चेतक मचलियो रे अर अर चेतक मचलियो रे, रण माही बण तूफान रख स्वामी भक्ति रो मान, बजती गुड़ नाड़ा नाही रुकी,
घायल चेतक घायल राणा संकट में मेवाड़। उस समय कौन सादिया साहब? घायल चेतक घायल राणा संकट में मेवाड़। तो झाला मन्ना घणे मानसो भरियो मुकुट मेवाड़। दुश्मन झपट्यो रे अर अर दुश्मन झपट्यो रे मन्ना पर राणो जान। मन्ना पे राणो जान लड़ियो मन्ना कर पाण। सासा जद ताई नाही रुकी रे पातल राखी जी अर अर पातल राखी जी। इंसानों की तो क्या बात है साहब। इस मेवाड़ धरा पर चेतक ने भी अपना नाम रोशन किया, संसार में किसी ने नहीं किया साहब। कि तीन पगा नाला मेरे कूदियो चेतक पूरे पाण। अर तीन पगा नाला मेरे कूदियो चेतक पूरे पाण। प्राण बचाया महाराणा का खुद तज दीना प्राण। अजी प्राण बचाया महाराणा का खुद तज दीना प्राण। उमड़ियो शक्ति सिंह में अर अर उमड़ियो शक्ति सिंह में महाराणा सो प्रेम। अरे नेह निभावण नेम तलवारा रेगी झुकी रे झुकी रे पाथल राखी जी अर अर पाथल राखी जी। ऐसा लगता था जैसे कि राम लक्ष्मण का भाई भरत का और राम का मिलन हो रहा था साहब। उस हल्दी घाटी के उस सीन को याद करो साहब। कि हीए लगायो शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप। कितना बड़ा भाई का दिल था साहब कि मैं अकबर की सेना में मिलने के बाद भी गिला सिकवा नहीं किया और सीने से लगा लिया कि कोई बात नहीं, सुबह का भुला हुआ अगर शाम को घर आता है उसको भुला हुआ नहीं कहते हैं। हीए लगायो शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप। अरे हल्दी घाटी साख भरे जी भाई मिलन री आप। उमड़ो शक्ति सिंह में महाराणा सोहेत पकड़िया पगराणा राचेत। असुवन की धारा नाही रुकी रे पाथल राखी जी अर अर पाथल राखी जी। मेरे संस्था प्रधानियां बैठे हैं जम्मनिया राजसमंद जिले में ज्वाइन किया था आदरणीय पर्वत सिंह जी साहब शक्ता विराजमान है, मैं उन्हें नमन करता हूँ। इनके सानिध्य में मैंने काम किया था। राजसमंद जिले में नवोदय विद्यालय में मैंने पीजीटी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के रूप में काम किया था। अभी मैं प्रिंसिपल के रूप में हूँ लेकिन मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ साहब। मुझे सामने दिख गए हैं बरसों बाद 20 साल बाद आदरणीय पर्वत सिंह जी साहब को सलाम प्रणाम करता हूँ। गीत की अंतिम पंक्तियां साहब कि उमड़ियो शक्ति सिंह में महाराणा सुहेत पकड़िया पगराणा राचेत। असुवन की धारा नाही रुकी हिंदुआ सूरज महाराणा ने नमन करे संसार। ये पंक्तियां जब मैंने लिखी साहब मैंने बहुत सोचा साहब कि महाराणा प्रताप को हिंदुआ सूरज क्यों कहते हैं। कोई कहता है कि ये हिंदुओं के हैं इसलिए हिंदुआ सूरज कहते हैं। हिंदुआ सूरज नहीं, ये हिंदुआ सूरज है जिनका डंका क्या है कि अफगानिस्तान काबुल तक बचता था। महाराणा प्रताप का सिक्का महा अकबर के जैसे तो कितने ही लोग थे जो महाराणा प्रताप का बहुत आदर करते थे साहब। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुआ सूरज महाराणा ने नमन करे संसार। अणधुली रो तिलक लगावे सब जग रानर नार। सुमिरन करता ही अर अर सुमिरन करता ही झुक जावे चरणासीस मेवाड़ी रजधर सीस। अभी मुख्य अतिथि जी ने कहा कि एक बार जाके चावंड की उस धरती को प्रणाम करना, हल्दी घाटी की जो मिट्टी है उसको तिलक लगाना। मैं भी हल्दी घाटी की मिट्टी जब तिलक लगाया उसके बाद मैं धन्य हो गया साहब। और मुझे रोम रोम में ऐसा लगता है कि हल्दी घाटी दिखती है साहब। कि हिंदुआ सूरज महाराणा ने नमन करे संसार। अणधुली रो तिलक लगावे सब जग रानर नार। सुमिरन करता ही झुक जावर चरणासीस मेवाड़ी रजधर सीस। सासा रह जावे रुकी रे पाथल राखी जी मेवाड़ धरा की रियान। राखी रजपूती शान राखी माया।